वहीं दिल्ली से बड़ी जानकारी है, आजम खां को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। जौहर ट्रस्ट की जमीन सरकार को लौटाने पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन लौटाने पर अब रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। अगस्त महीने में अगली सुनवाई इस केस में अब होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, आजम खां को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। अवनीश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी अवनीश आपके पास, आजम खां को बड़ी राहत? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें अंतरिम राहत मिली है ट्रस्ट को। कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए जो अधिग्रहित की गई जमीन थी वो सरकार को वापस लौटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। और हम आपको बता दें कि ये जमीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में अधिग्रहित की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब साल सितंबर में हाईकोर्ट ने जमीन को वापस अपने नियंत्रण में लेने के लिए राज्य सरकार को जो आदेश दिया था वो सही करार दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पे 471 एकड़ जमीन को कब्जे में ले लिया गया, और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी फिलहाल जो है उस पर रोक लगा दी है। जब तक वो इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं होगी तब तक जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर ये रोक रहेगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, बताया जा रहा है कि 12.5 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी सारी जमीन पर ये बताया गया था कि राज्य सरकार का अधिकार है, और इस पर इसी हवाले से ये कहा गया था कि ये जमीन जो है सरकार को वापिस करनी होगी। हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब देखना होगा कि आगे की जो सुनवाई है उसका रुख क्या रहेगा। बहुत शुक्रिया अवनीश आपको तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत आजम खान को दी है। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, एसबीएसपी संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रेमचंद कश्यप एसबीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस बात की जानकारी दी है। यूपी को 4 भाग में बांटकर संगठन बनाएंगे, राजभर ने कहा है। और शिवपाल यादव पर भी राजभर बोलते नजर आए हैं, कहा शिवपाल यादव हमारे साथ है, ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, एसबीएसपी संगठन में बदलाव होता हुआ यहां पर नजर आया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बाराबंकी की बात करते हैं। बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक से अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। डिप्टी सीएम ने हर वार्ड का जायजा वहां पर लिया। जिला अस्पताल की व्यवस्था देखने के लिए डिप्टी सीएम ने अचानक यहां पहुंचने से स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से दुरुस्त करने में जुटा हुआ नजर आया। मरीजों से भी ब्रजेश पाठक ने उनका हाल जानने की कोशिश की। वहीं वार्ड में पहुंचकर उन्होंने मेडिकल टीम को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी के जीडीपी में जबरदस्त इजाफा हुआ है, ये पिछले 5 साल में बढ़कर अब 17 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है। यही नहीं, डिजिटल लेन देन में भी प्रदेश उज्जवल नजर आ रहा है। ये लेन देन 391 करोड़ तक पहुंच चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि यूपी की बजट साइज को में अब इजाफा हो गया है, ये बढ़कर अब 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। ये पूरी कवायद में वित्त मंत्री ने बैंक सखी को बड़ा क्रेडिट दिया है। जब हमारी सरकार आई थी उस समय वर्ष 16-17 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी 12,47,000 करोड़ रुपया थी, 12.47 लाख करोड़ रुपये थी। वर्तमान में हमारी जीएसडीपी 17,49,469 लाख करोड़ रुपये पर पहुंची है। ये 5 वर्ष में जो इजाफा हुआ है लगभग 40% का इजाफा हुआ है। श्रावस्ती से बड़ी जानकारी है, 25,000 का इनामी बदमाश अरेस्ट किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको श्रावस्ती से दे रहे हैं, जहां आपको बताए कि 25,000 का इनामी बदमाश अब अरेस्ट कर लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस आरोपी को दरअसल गिरफ्तार किया गया है।